जैसा झंडा का हो तो वैसे ही है ना। तुलसी बड़ो हो जाएगा। अभी ये रोजांश को स्कूल छोड़ के आए थे और आज उसकी स्कूल में ना दशहरा सेलिब्रेशन है एंड गांधी जयंती सेलिब्रेशन है। तो रात में स्कूल से मैसेज भी आया था कि इसको ना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के भेजना। बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा, सुबह ना उठ के मैं भूल ही गई। रात में कल तक तो मुझे याद था और आज ना सुबह मैं भूल ही गई, तो उसको मैंने ड्रेस पहना के भेज दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं उसके स्कूल में, उसके कपड़े लेके उसको चेंज करके और फिर वापस आ जाएंगे। अभी तो ये तुरंत छोड़ के आए थे, 5 मिनट भी नहीं हुआ और फिर से हम लोग जा रहे हैं इसके स्कूल। पी 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 कर रहा है, सीट बेल्ट पहन लो इससे अच्छा तो। सुबह सुबह आओ ना तो खाने पीने के वो ज़्यादा खुल जाते हैं, दुकानें कम खुलती हैं और वैसे भीड़ रहती है। अभी भी आ रहे हैं बच्चे, लेकिन हम लोग पहुँच गए स्कूल, उसको चेंज करके आते हैं। आप नहीं चल रहे? मैं आ रहा हूं ना, गाड़ी लॉक कर ली। उसकी मैम जो थी ना वहाँ पे, उन लोगों ने उसको कपड़े पहना दिए और अभी तो वो कुछ नहीं बोला। घर जाके, घर आएगा ना तब जाके वो कुछ बोलेगा, मम्मा आप भूल गई थी। मैम को बता रहा था कि मम्मा सुबह सुबह भूल गई हैं। सुबह सुबह ना वो इतने वो करता है ना, पहले उठेगा फिर ब्रश करेगा फिर बैठ जाएगा फिर नहाने जाएगा फिर बैठ जाएगा, तो उसका ऐसा चलता रहता ना, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि उसको ना ड्रेस पहनानी है दूसरी। इतनी तो मेरी बज रही है, ऐसे बजती है। किसी ने ट्रक लगा दिया है ना, मेरे से बोलते हैं तुमको सीटी बजानी नहीं आती है। खुद ने बजाई ना, खुद ने भी नहीं बजा पाई। भाई निकाल ले थोड़ा सा आगे, आगे लग जाएगी। कंफ्यूजन में है वो, हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही है गली में। भाई कर लेना थोड़ा। हाँ दूसरे सेकंड फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ते बेटा, खाना तो उतरने में कितना मीटर लो, बट चढ़ने में ना आप दो सीढ़ी भी नहीं चढ़ते हो। अभी गिर जाता मेरा फोन, टूट जाता। हो हमारी मेड भी नहीं आ रही है, उसकी हो गई है तबीयत खराब। अभी मैंने रुद्रांश को टिफिन में बस एक पराठा बना के रख दिया था, उसको नाश्ते में जो घर से खा के जाता है, सेवई बनाई हुई थी सेवई रखी हुई हैं जो हम लोग भी ब्रेकफास्ट में खाएंगे। कल को सब्जियाँ लेके आई थी तो रात में वॉश करके रख दी थी, तो ये भी पड़ी हुई, इनको डालूंगी मैं फ्रिज के अंदर। तो चलिए चेंज करते हैं, थोड़ा काम करते हैं क्योंकि मेड आई नहीं है, सारा काम भी ख़त्म करना है एंड उसके बाद पूजा करेंगे क्योंकि नवरात्रि चल रही है। और ये तो अपना टीवी देखने लग गए हैं, इनको मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ और काम करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये रखी हुई है सेवई, थोड़ी ठंडी होगी ना तो इसका दूध कम हो गया है, अभी इसमें थोड़ा सा मैं दूध ऐड करूँगी एंड इसको फिर एक बार उबाल लूँगी। सो आज बनाई हुई थी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सेवई की खीर। काम ख़त्म करने के बाद जस्ट अभी मैंने लिया है शावर एंड हेयर वॉश भी किया है आज, सो मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ी सी
बाल सोचा रही है मैंने, क्योंकि बाल अभी गीले हो रहे हैं ना, तो ज़्यादा कॉम करूँगी तो बाल ज़्यादा टूटेंगे, तो थोड़े थोड़े मैंने कॉम कर लिए हैं। और अभी मुझे करनी है पूजा, और पीछे पतिदेव है ना सो गए हैं, काम करने बैठे थे लैपटॉप पे, बोलते मन नहीं लग रहा और फिर लेट गए तो सो गए, नींद लग गई उनको। सो अभी मैं जाती हूँ पूजा करके आती हूँ। सारी निपटाई, उसके बाद पूजा की, अभी लंच बनाना, मुझे भूख भी बहुत तेज से लगी। सब्जी में मैंने छौंक लगा दिया है और आलू बरबटी एंड टमाटर मिक्स करके ये सब्जी बनाई हुई है मैंने। और अभी मैंने ना सेवई खा ली क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। उदांश के पापा जाएंगे फिर उदांश को लेने के लिए, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया है। आज क्या करके आया, आज उसके स्कूल में, जैसा कि मैंने बताया था ना मॉर्निंग में, उसके स्कूल में दशहरा सेलिब्रेशन एंड गांधी जयंती सेलिब्रेट किया हुआ था, क्योंकि संडे में गांधी जयंती पड़ रही है और दशहरा पहले से मतलब उन लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो आज उसके स्कूल में दो दो वो सेलिब्रेशन हुए। सो पता है आज उसके स्कूल में देखो क्या बनवाया, क्या बनाया आपने? रावण। ये देखो ये रावण बनाया है मैंने, ये रावण बनाया था और कॉपियों का हम्बक किया था और चरखा बनाया था। चरखा, चरखा क्यों बनाया था आपने? हमने शील है, गांधी जयंती का वो था ना शील है। तो ये रावण क्यों बनाया था? रावण शील है जलाने के लिए इसको। अच्छा, इसको मैम ने बोला है जलाना है? ओके, तो भाई हमारी तो दशहरे की सारी तैयारियां हो गई, रावण भी हमारा बन गया है और इसको जलाना है ना? जलाना नहीं है। क्या करना है? रुद्रांश के स्कूल से आने के बाद मैंने उसको खाना खिलाया एंड उसका होमवर्क करवाया, और अभी टाइम हो रहा है शाम का, तो सुबह में मैंने ये ब्लैंकेट धुल के डाले हुए थे तो वो भी सूख गए, उनको फोल्ड करके मैंने रख दिया, और अभी मैं शाम की संध्या कर रही हूँ। पूजा भी हो गई है मेरी एंड मैंने चाय रख दी थी उससे पहले बनने के लिए, सो चाय भी मेरी बन गई है। रुद्रांश के लिए मैंने कप में दूध निकाल दिया था, दूध ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा गुनगुना कर दिया था, ये कर रहे हैं फोन पे बात, तो उसकी आवाज आ रही होगी। रख दिए क्योंकि वो बाकी बर्तनों में मिक्स हो जाता है ना, तो उसका टूटने, लॉक ऑफ टूटने का डर रहता ना, इसलिए मैं उसका टिफिन वॉश करके सूख जाता ना, तो फटाफट से उसको एक साइड में रख दे। चाय बन गई है, चाय छान लेती हूँ। बाबू आओ चाय पियेंगे, स्टैंड अप। बाबू हमारा छोला था होमवर्क करते करते दिसंबर होता है तब आधी रात को जगा देना, फिर जिंगल वाला आएगा। हाँ, जिंगल वेल क्या लेके आएगा? गिफ्ट। क्या गिफ्ट चाहिए आपको जिंगल वेल से? मिक्सर मशीन। ओके, उसके लिए आपको गुड बॉय बनना पड़ेगा। गुड बॉय बनोगे? स्कूल के लिए फटाफट से रेडी होना पड़ेगा। और मम्मा पापा की बात सुननी पड़ेगी। तभी तो जिंगल बेल आएगा और आपको गिफ्ट देगा, है ना? 25 दिसंबर को। ओके, 25 दिसंबर तो बहुत हो, बस अब आएगा आपका बर्थडे आएगा नवंबर में, फिर उसके बाद जिंगल बेल वाला वो आएगा। सभी शाम के टाइम में हम लोग निकले हुए हैं घर से बाहर, और यहाँ ना मंदिर है, मंदिर के पास से निकल रहे थे, तो बहुत सुंदर सी ना डेकोरेशन हो रखी है, क्योंकि ना अभी नवरात्रि चल रही है उसके वजह से यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है ये मंदिर पे तो रहती है। सुबह में भी आओगे तो भी मिलेगी, दोपहर में भी आओगे तो भी मिलेगी एंड शाम में भी आओगे तो भी भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पब्लिक आती है और यहाँ दिन भर भंडारा चलता है ना। इतनी
इतनी भीड़ है ना, बच्चे ही गुम हो जा रहे हैं। ये देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, वो कलरफुल लाइट डली हुई है। तो हम लोग आ गए हैं पिज्जा खाने के लिए। मुझे तो खुशबू आने लग गई। खुशबू आने लग गई। रुद्राक्ष को दोहर लर्न करवाया था हमने, सुबह भी सुनाएगा। चलो सुनाओ जल्दी से। तुलसी भरोसे राम की मिलवे हो किशोर, अनहोनी हानी नहीं अनहोनी होश होए। अनहोनी होनी नहीं होनी होश होए। अभी हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर ऐसे घूमने के लिए, घर में बोर हो रहे थे। रुद्रांश के पापा भी ने सुबह से काम करने के लिए बैठे हुए थे ना, तो उनको भी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था कि सोचा घूम के आते हैं। गए थे थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह खा के आए हैं, और थोड़ा सा गए थे तो मंदिर वगैरह भी होके आ गए। और अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना।